अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भारत का यौम आजादी यानी मकबूजाबाद ये कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। आज का दिन यानी 15 अगस्त का दिन फतह काबुल यानी फतह अफगानिस्तान की हैसियत से भी याद रखा जाएगा। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त ही के हवाले से साबिक ISI चीफ जनरल हमीद गुल ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि एक वक्त आएगा कि हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे डाली। लेकिन आज के हवाले से एक बड़ी खबर है, एक बड़ी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उस स्टोरी को शेयर करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ब्रेकिंग न्यूज एनालिसिस और इस तरह की तमाम तफसीलात आप तक बगैर किसी हीरो हुज्जत और तरद्दुद के पहुंचती रहे। बड़ी खबर यह है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वीडियो में अफगान तालिबान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब का अगला हदफ मकबूजा वादी कश्मीर की आजादी है। यह वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल थी और इस वीडियो के हवाले से ना तो किसी ने जिम्मेदारी कबूल की और ना ही किसी ने इसकी तस्दीक की कि वाकईतन दुरुस्त वीडियो है या नहीं है। लेकिन आज काबुल के अंदर अफगान तालिबान की पेशकदमी और वहां से अफगान सदर अशरफ गनी और उनके नायब सदर अमरुल्ला सालेह की बेदखली और ताजिकिस्तान पहुंचने के बाद एक बात कन्फर्म हो गई है कि अफगान तालिबान का अगला हदफ मकबूजा वादिया कश्मीर की आजादी है। यही नहीं बल्कि मेरे जो जराए हैं, बावसूख जराए, वो ये कहते हैं कि अफगान तालिबान का अगला हदफ इंडिया को एंडिया की सूरत में टुकड़े टुकड़े करना भी है। खालिस्तान को उनका हक दिलवाते हुए सिखों को एक अलग रियासत दिलवाना भी है और जिस तरह से अफगान तालिबान चढ़ाई करते हुए काबुल के ऊपर कब्जा करके काबुल की तमाम तर इक्तदार की बागडोर अपने हाथ में ले चुके हैं, इसी तरह एक वक्त आने लगा है जब मकबूजा वादिया कश्मीर के शहदा जो पिछले 74 साल से मकबूजा वादिया कश्मीर में अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस अंदाज से आर्टिकल 35A और 370 की एब्रोगेशन के बाद उन्हें जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है, अब बहुत जल्द वो एक आजाद फजा में सांस ले सकेंगे। अफगान तालिबान का अगला हदफ दिल्ली हो सकता है, अफगान तालिबान का अगला हदफ मकबूजा वादिया कश्मीर का कैपिटल यानी श्रीनगर हो सकता है और अफगान तालिबान का अगला हदफ खालिस्तान मूवमेंट के जरिए सिखों को अलहदा रियासत का हुसूल में इमदाद भी हो सकता है। आज इंडियन मीडिया के ऊपर अफगान तालिबान के हवाले से जब स्टोरीज ब्रेक की जाती रही है तो उनकी चीखें देखने लायक थी। अफगान तालिबान की पेशकदमी के हवाले से इंडियन मीडिया की चीखें सुनने के लायक थी। आज इंडिया के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस डे के हवाले से खबरें कम और अफगानिस्तान में काबुल के अंदर तालिबान के दाखले और तालिबान की पेशकदमी के हवाले से खबरें ज्यादा दिखाई दी और जिस अंदाज से ब्रेकिंग न्यूज को डिपिक्ट किया गया, जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वो भी सबके सामने है। लेकिन डेवलपमेंट यह है कि अफगान तालिबान का नेक्स्ट टारगेट मकबूजा वादिया कश्मीर की आजादी है और अफगान तालिबान समेत तालिबान जहां जहां मौजूद हैं वो सब इस वक्त एक पेज पर हैं कि काबुल के ऊपर अपना असर लेने के बाद, इक्तदार हासिल करने के बाद अब नेक्स्ट उनका हदफ दिल्ली होगा और इस हदफ के हुसूल के लिए वो तमाम तर जो असरार रुमूज हैं और कुवतें हैं उनको बुरुएकार लाते हुए अपने टारगेट की जानब माइल होंगे। ये मेरी खबर है, मेरे वावसूख जराए से खबर है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर अपने तरीके से पीस प्रोसेस के नाम पर खून की होली खेलता रहा है, वहां पर अपनी कठपुतली इंतजामिया वहां पर डिप्लॉय करता रहा है, वहां पर अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज को डिप्लॉय करता रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मोदी ने मकबूजा वादिया कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ है और अपना तसल्लुत कायम करने के चक्कर में वहां पर आबादी के तनासुब को भी तब्दील करने की कोशिश के दर पे है। ये दोनों कोइंसिडेंसेस नहीं है कि आज भारत का
यौमे आजादी है, आज मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर यौमे स्याह मनाया जा रहा है, आज अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान यौमे आजादी अफगानिस्तान मना रहे हैं, और आज ही के दिन जनरल हमीद गुल साहब की बरसी है, यानी 15 अगस्त को उनकी बरसी मनाई जा रही है। साबिक आईएसआई चीफ जिन्होंने जो जुमले आज 6 साल पहले कहे थे आज सच साबित होते हुए दिखाई देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज से दो दिन कबल हम लोग जिस अंदाज से खुशियां मना रहे थे कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और गुज़िश्ता रोज हमने यानी 14 अगस्त को यौमे आजादी पाकिस्तान मनाया, तो उस वक्त एक चाय बेचने वाला शख्स मोदी, जो ट्रेन के लिए चाय सर्व करता था, वो मोदी जिसने अपनी वजारत आला के दौरान जिस अंदाज से गुजरात के फसादात हम सबको याद है, वहां पर जो किया वो हम सबको याद है, वहां पर 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बेघर किया, 2000 से ज्यादा मुसलमानों को बीहेड किया, उस शख्स ने एक ट्वीट किया कि पार्टीशन जो है वो हॉरर रिमेंबरेंस डे के तौर पर याद रखी जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेंबरेंस डे का नाम दिया, और आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त जब अफगान तालिबान ने काबुल के ऊपर चढ़ाई की है और अफगान सदर अशरफ गनी को वहां से दम दबाकर भागते हुए देखा है, बिल्ली की तरह दम दबाकर भागते हुए देखा है, और जिस अंदाज से अफगान तालिबान शेर की तरह काबुल के ऊपर चढ़े हैं और पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में किया है, उसके बाद यह बात रोजे रोशन की तरह है, और रोजे रोशन की तरह आया है कि अब दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, भारतीयों के लिए और अमरीकियों के लिए आज हॉरर रिमेंबरेंस डे के तौर पर तारीख इस दिन को याद रखेगी, यानी 15 अगस्त को पूरी दुनिया यानी मौर्रिख हॉरर रिमेंबरेंस डे के तौर पर याद रखेगा, और हमारे असलाफ को, हमारे अजदाद को सलाम जिन्होंने साल हर साल पहले यह कह दिया था कि आईएसआई अमरीका की मदद से अमरीका को शिकस्त देगी, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट की बात को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया कि हम अपनी सरजमीन को कतई तौर पर इस जंग के लिए नहीं अमरीका को देंगे, अमन के लिए हम साथ देंगे, जंग के लिए साथ नहीं देंगे, और आज वो बात साबित होती हुई दिखाई देती है। और बड़ी खबर को कतई मत भूलिएगा, चीखे निकलवा दें आप इंडिया की ये बात सुनाकर चीखे निकलवाएं इंडिया की, जिस तरह आज उनकी काबुल में अफगान तालिबान की एंट्री के वक्त चीखे निकली हैं, उनके मीडिया को चीखता हुआ हमने देखा है, रोए चीखे पिट्ठे वाली बात सामने आती रही है, उनकी चीखे निकलनी चाहिए कि अफगान तालिबान समेत तालिबान का अगला हदफ दिल्ली है, तालिबान का अगला हदफ क्या है, तालिबान का अगला हदफ खालिस्तान मूवमेंट को कंप्लीट करवाकर सिखों को उनकी आजादी दिलवाना है, तालिबान का अगला हदफ मकबूजा वादी कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों को आजादी दिलवाकर एक आजाद रियासत का स्टेटस दिलवाना है, तालिबान इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और यह मेरी खबर है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जमील फारूकी को इजाजत दीजिए।